बहुत गर्मी आज कराची में हब से, मगर उसके बावजूद आपको जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आपको लगता नहीं कि कराची में गर्मी का नामो निशान भी है। से बेटा बहुत जबरदस्त है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी आज बहुत है कराची के अंदर, बहुत है। ऐसे के मजे आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। स्टॉप बाई स्टॉप है, ये नहीं कि किसी ने हाथ दिया रोक दी गाड़ी, नहीं ऐसा नहीं रुकेगी, स्टॉप बाई स्टॉप ही रुकेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि गाड़ी की स्पीड अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची वालों के लिए एक आज अच्छी खबर है और मैं हूं तनवीर भैली पाकिस्तान के साथ एक नई वीडियो लेकर आए। और अच्छी खबर यह है कि जो सफ़र तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले हमने बताया था कि आपको कराची के सब मुख्तलिफ 7 रूट्स पर चमचमाती लाल बसें चला करेंगी, तो उनका आजमाइशी सफ़र का आगाज़ हुआ था। उस दिन मलिर हाल्ट के मकाम पर हमने देखा था कि मुख्तलिफ बसों को रवाना किया गया है, तो आज मलिर हाल्ट से लेकर टावर तक अका रूट शुरू हो चुका है, जिसका बाकायदा तौर पर इब्तदा बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने कर दिया। और इस सफ़र करेंगे कि कितनी अच्छी ये बसेस हैं और एक आम पब्लिक है उसको कितना सहूलियात से फ़ायदा होगा, खुसूसन जो बसों में धक्के खाते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो हमारे साथ रहिएगा, सफ़र भी करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी जो मीडिया से बातचीत करेंगे वो भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कराची के कौन कौन से रूट पर ये बसें आज से चलना शुरू हो गई। हमारे साथ रहिए। तो वही देखें, ये कराची की आवाम मज़े से सफ़र कर रही है और अभी से गाड़ी फुल चक्कर चल रही है। तो देखिए जी, फायर एक्सटिंगुइशर है, किसी भी नाकानी सूरत में आप इसको आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एसी फुल एयर कंडीशन है, सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें, और यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर है, कोई सिगरेट वगैरह पिएगा तो वो पता चल जाएगा। तो तमाम खासतौर पर जो एसी है फुल एयर कंडीशन है, ज़बरदस्त किस्म का चिल माहौल है, यानी आपको बहुत गर्मी आज कराची में हब से, मगर उसके बावजूद आपको जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आपको लगता नहीं कि कराची में गर्मी का नामो निशान भी है, तो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का फुल चिल चल रहा है ऐसी। अच्छा जी, ये है जी माजूरों के लिए, अगर कोई माजूर अफराद आते हैं तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, उनके लिए मुख्त सीट की गई है। इसी तरीके से व्हील चेयर, यानी व्हील चेयर कहाँ से ला सकते हैं, देखिए व्हील चेयर की जगह ये यहाँ पर है, और ये पोर्शन है ये ख़वातीन के लिए पोर्शन रिजर्व कर दिया गया है। सीट्स कम है और खड़ों की जगह ज़्यादा, तो आप इसको हैंडल पकड़े खड़े हो सकते हैं, बड़े ही आरामदेह है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। कराची के थोड़े रूट्स खराब हैं लेकिन शाहरा फैसल बेहतर है, मगर शाहरा फैसल के अलावा जो दीगर रूट्स पे चलनी है साथ वहाँ पर मसले मसाइल होंगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं जी, ये हम पहुँच गए हैं FTC के करीब। ये कौन सा क्या आता है, हाँ रिजिड प्लाजा जी, रिजिड प्लाजा पहुँच गए और अगला स्टॉप हमारा FTC होगा। हमने सफ़र शुरू कर दिया है उसके अंदर, और अभी तक तो बड़ा ही अच्छा रहा। लोगों से भी बातचीत करते हैं जो उसमें सफ़र कर रहे हैं और कितने खुश हैं, खासतौर पर जो मलिर से टावर जाने वाले रूट के हैं मुसाफिर, उनसे बातचीत भी करें और उनकी भी राय आपको फिर समझ देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। कैसा सफर रहा है, कहाँ से बैठे हैं? टावर से बैठा हूँ, बहुत जबरदस्त है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी आज बहुत है कराची के अंदर, ऐसी के मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। टिकट भी थोड़ा कम है इसका है, और ये बसें पहले चल जानी चाहिए थी ना, मैं तो बस बड़ा इंतजार किया कराची वाले, जबरदस्त है, चले थैंक यू सो मच। तो दोस्त ये बताओ कि पान गुटरा तो नहीं धुकेंगे ना कराची वाले, साफ सुथरी रखेंगे? इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, और आवाम को भी चाहिए कि इसका ख्याल रखें, आवाम का भी हक बनते हैं, और गवर्नमेंट को और भी चाहिए कि आवाम को जो है ना इसका भरपूर इस तरह और बसें शहरों के अंदर, जुड़वा शहरों के अंदर इनको मुहैम करना चाहिए, जितनी आवाम को रिलीफ मिलेगी इस महंगाई के दौर में, इस परेशानी के दौर में, आवाम के लिए इसका भरपूर फ़ायदा है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई देखिए, अभी इसमें आपको टिकट बूथ नहीं बने हैं, तो इस भाई से आपने आकर टिकट लेना, टिकट का क्या तरीकेकार होता है? मतलब 50 है, 50 रुपये टिकट है, और क्या किस तरीके से आएगा बंदा, जो कैश लेते हैं उसी में होगा टिकट? डायरेक्ट कैश लिया जाएगा, हर स्टॉप पे बस रुक रही है जहाँ पर आप पैसेंजर नजर आ रहा है, और जैसे जैसे लोगों को मालूम होता जाएगा, जैसे जैसे इसकी तस्वीर होगी उसके बाद लोग आते जाएंगे, लोग को ये बता रहे हैं क्योंकि अमूमन लोगों को पता नहीं कि कहाँ कहाँ की है। अच्छा भाई, तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सफ़र, तकरीबन ये मेरे ख्याल से अगर हम कराची प्रेस क्लब से खड़े हैं तो मलिर हॉल्ट तक आधे घंटे में आपको पहुँचा रही है। और स्टॉप बहुत कम है, स्टॉप बाई स्टॉप है, ये नहीं कि किसी ने हाथ दिया रोक दी गाड़ी, नहीं ऐसा नहीं रुकेगी, स्टॉप बाई स्टॉप ही रुकेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि गाड़ी की स्पीड अच्छी है, ये नहीं है कि पैसेंजर चढ़ाने हैं पैसेंजर उतारने, ज़्यादा नहीं, जितने इनके एक लिमिट है उसी स्पीड चलती है गाड़ी, बहुत अच्छा स्मूथ सफ़र रहा है, खासतौर पर गर्मी के लिहाज से बहुत मज़ा आ रहा है। ये बसें चलती थी हमारे यहाँ,
और हम इन में सफ़र करते थे, ख़ासतौर पर मलीर से दीगर रूट्स वाले हैं वो इस बस में सफ़र करेंगे, उस बस के मुकाबले में इस बस में आ गए हम, तो थोड़ी तरक्की तो की हम लोगों ने। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि कराची वाले तरक्की नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं बस। अभी जो टिकट है वो बिल्कुल कंडक्टर ले रहे हैं, लेकिन जब टिकट बूथ लग जाएंगे तो उसके बाद आप फिर टिकट बूथ होते हैं वहीं से टिकट लेंगे और उसके बाद ये भाई नगर नहीं आएंगे आपको, यही सही है रोमन? क्या कह रहे हैं मैं ये ऐड कर दूं, इसके साथ साथ रोड भी अच्छी, बसों के साथ साथ रोड भी अच्छे होने चाहिए, वरना ये गाड़ियां तबाह हो जाएंगी, बिल्कुल जल्दी तबाह हो जाएंगी। तो रोड भी बेहतरीन करने चाहिए, बसें ले आए तो रोड भी अच्छे कर दें, रोड भी अच्छे होने चाहिए वरना गाड़ियां बेकार हो जाएंगी। 30 मिनट के अंदर अंदर हम सदर से गवर्नर राव सोलंकी से मलीर हाल के करीबन एयरपोर्ट पहुँच गए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 30 मिनट के अंदर अंदर अगर आप इतना बड़ा सफ़र कर लेंगे और आपकी जर्नी भी आसान होगी और किराया भी कम होगा, सहूलत भी अच्छी होगी, तो कौन सफ़र करना नहीं चाहेगा इसमें? भाई सफ़र कैसा होगा इसके अंदर बताएं ज़रा आप। बहुत ज़बरदस्त सफ़र होगा और लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और वो रवायती सिस्टम नहीं होगा कि WR वाला एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं और ब्रेकें लग रही हैं और चलते में उतार दिया और बिठा दिया, मतलब वो सब सिस्टम नहीं होगा, बहुत कंफर्टेबल लोग फील करेंगे इसके अंदर, इज्जत के साथ सफर, बिल्कुल इज्जत के साथ और प्रॉपर तरीके से AC के अंदर, और बहुत लोग इंजॉय करेंगे और एक अच्छा महसूस करेंगे, आरामदेह सफर होगा, और हर स्टॉप पे रुकेगी, हर स्टॉप जी सर, हाँ जी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर स्टॉप पे रुकेगी और उतरने वाले पैसेंजर उतरेंगे, जो बैठने वाले होंगे वो बैठेंगे, बैठने के बाद इसके डोर बंद होंगे और रुकने के बाद इसके डोर ओपन होंगे, बहुत मतलब एक अच्छा तरीका है, मैनेजमेंट ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमें ट्रेन किया है। जिशान खालिद, जिशान भी ये बताएं आपने बसों में दूसरी बसों में भी सफर किया, जी जी, इस बस में क्या फर्क, सबसे ज्यादा फर्क क्या महसूस होगा लोगों को? सबसे ज्यादा लोग आरामदेह, मतलब लोगों को इसमें ना परेशानी महसूस नहीं होगी कि उतरने में बैठने में, और मौसम और मतलब AC लगा हुआ है, बिल्कुल आपको गर्मी का तो एहसास ही नहीं होगा, गर्मी में मतलब आप लगेगा मजा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा, जी पंखा भी लगवा दिया आपने, फैन लगा दिया, आवाज आ रही है वहां से, पंखा भी लगवा दिया जी, बाकायदा ड्राइवर के लिए स्पेशल फैन दिया हुआ है, जबरदस्त जबरदस्त। मॉडल कॉलोनी उतरना है तो बस वायरलेस गेट आ गया एक साल पहले ही, हम तो बस हम मलीर मॉडल कॉलोनी उतरने मलीर हॉल्ट उतर जाएंगे, और अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, सदर से गवर्नर राव सोलंकी से आगाज़ हो सफ़र का, और 30 मिनट के अंदर मलीर हॉल्ट पहुंच गया हूं, और ख़ासतौर पर जो भी बात के एक सफ़र अच्छा हो ना तो आप अपनी गाड़ी ना लेकर जाएं, क्योंकि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो बहुत अच्छा हो गया, तो मैंने भी बस ये उतरना है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। देखे ये आप दबाते ये यहाँ पर हो गया जी, तो सफ़र इख्तिताम हो गया, तो ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और सफ़र कीजिएगा, और यहाँ रोक दीजिएगा भाई, हम भी मैंने भी ये उतरना है। अच्छा जी मलीर हाल्ट पे उतरेगी, अच्छा मैंने कहा था ना कोई बस स्टॉप टू स्टॉप उतरेगी, तो उसने हमें वहाँ नहीं उतारा मलीर से स्टॉप, ओए ओए ओए। तो भाई ये देखें अभी बस यहाँ से रवाना होगी, आखिरी स्टॉप ही है, और सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया मुझे, अपना ख्याल रखिएगा, कैसा सफ़र रहा, मज़ा आया, मज़ा आया, देखें भाई लड़के को मज़ा आया, तो इंशाल्लाह फिर दुआओं में याद रखिएगा, और हमने पीछे उतरना था क्योंकि स्टॉप रुकती है, तो उससे हमें रुका उतारा नहीं, और अब हमें दोबारा पता चल के कोई भी स्टॉप जाना पड़ेगा, अल्लाह हाफिज़ जी।